हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोबिकर सॉल्यूशंस बाय फोन फिक्स हैदराबाद टीम। आज हम सीपीयू को कैसे ओपन किया जाता है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम साइड ग्लू जो है कट किए हैं इसमें, जो कि 250 हीट रखनी है आपको और एयर 203 रखनी है। और अभी एक सीपीयू लिफ्टर हमने हैंडल ले लिया है और 350 हीट रखनी है और 203 एयर रखनी है आपको। और नोज़ल को आपको अच्छे से घुमाते रहना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू बहुत आसानी से ओपन हो चुका है। और सबसे पहले हम मदरबोर्ड क्लीन करेंगे, उसके लिए आयरन का यूज़ करेंगे और जो मदरबोर्ड पर ओरिजिनल पीपीडी है उसको हम यहाँ पर से रिमूव करेंगे और एक बार डिसोल्डर करेंगे डिसोल्डर वायर से। ध्यान रहे आसपास के कॉम्पोनेंट में से कोई भी कॉम्पोनेंट मिसिंग या मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से आपको आराम से क्लीन करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। कोशिश करते हैं स्क्रीन को अच्छे से दिखाने की। यहाँ पर हम क्लीन किए हैं एक बार पीसीबी को, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पीसीबी में ब्लैक पेस्टेड ग्लू होता है, उसको भी रिमूव करना होता है आपको। तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, रिवर्स ब्लेड यूज़ करेंगे 11 नंबर और एयर जो है 250 रखेंगे, सॉरी एयर जो है 203 रखेंगे, हीट 250 रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत नरम हाथों से पीसीबी को क्लीन कर देना है। अगर आपको ये हैंड स्किल का काम नहीं आता है तो इस वीडियो को देख करके अच्छे से सीखिए। अगर उसके बावजूद भी आपको अगर से सीपीयू या एमएमसी पावर वगैरह निकालनी लगानी या रिवॉल्व करनी नहीं आती है तो मेरा पर्सनल ट्रेनिंग होता है ऑफलाइन में, उसमें आकर के आप अगर हैंड स्किल सीखना है तो 1 वीक के अंदर आपको हैंड स्किल हम सिखा देंगे। अगर फुल कोर्स करना है तो 20 से 25 दिन का क्लास होता है मेरा। हार्डवेयर स्केमेटिक, फॉल्ट फाइंडिंग, डेड मोबाइल, शॉर्टिंग, लीकेज, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताता हूँ मैं। लाइव मोबाइल रिपेयरिंग होती है, वो आप सीख सकते हैं। अगर आप मेरा ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, 5000 रुपये अभी ऑनलाइन कोर्स है, न्यू ईयर का ऑफर रखा हूँ, जहाँ पे आपको सारा का सारा फॉल्ट फाइंडिंग, स्केमेटिक, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये प्ले स्टोर में मेरा एप्लीकेशन मिलेगा आपको मोबिकर सॉल्यूशंस के नाम से, उसको आपको लॉगिन कर लेना है और मैं एक्सेस अगर आपको दे दूंगा तो आपके पास ये 6 महीने तक का एक्सेस होता है, जिसमें आपको सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलेगा। 5000 रुपये 6 महीने का इसका चार्ज है और सारे वीडियोस आपको उसमें डाउनलोडेड वीडियोस है। तो यहाँ पे हम सीपीयू क्लीन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कोर्स के बारे में अगर आपको जाननी है तो डिस्प्ले पे नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और मुझसे डिटेल ले सकते हैं। 15 तारीख से ऑनलाइन का भी क्लास है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, रात 9:30 से 11:30 बजे लाइव क्लास होगी जूम मीटिंग के थ्रू। और एडवांस क्लासेस होती हैं, सारा चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, बेसिक कंपोनेंट से लेकर के स्केमेटिक के डीपली नॉलेज आपको देता हूँ मेरे ऑनलाइन कोर्स में। तो सीपीयू को अच्छे से क्लीन करना है, ये देख सकते हैं सारा ग्लू अच्छे से रिमूव करना है। इसमें पेस्टेड ग्लू होता है, अगर किसी बॉल में वो लगा रहेगा तो आपके बॉल अच्छे से नहीं बनेंगे जब आप स्टेंसिल से बॉल बनाएंगे, और फिर मदरबोर्ड में वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगा तो फिर आपका सेट ऑन भी नहीं होगा। तो क्लीनिंग में आपको ध्यान रखना है, क्लीनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी ग्लू कहीं नज़र आता है तो आप उसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे सीपीयू अच्छे से क्लीन करके रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करके हम वापस से पीसीबी में लगाएंगे। और ये जो हैंडसेट है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कैमरा और नेटवर्क रिलेटेड, या कैमरे के साथ ऑडियो नहीं आता है या सिर्फ कभी ऑडियो नहीं बजता है। तो इसमें डायरेक्टली आपको सीपीयू रिमूव करना है क्योंकि इसमें ड्राइव सोल्ड हो जाता है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है। ज़्यादातर सीपीयू ड्राइव सोल्ड होने के कारण, सिग्नल ना बनने के कारण जो है इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। हैंड स्किल का, अगर आपको ओनली हैंड स्किल सीखनी है तब भी मेरे पास आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आईसी रिवॉल्विंग सीपीयू ब्लैक पेस्टेड डुअल डेकर करना है तो भी ओनली हार्डवेयर हैंड स्किल का काम भी सीख सकते हैं, या फॉल्ट फाइंडिंग सीखनी है स्केमेटिक तब भी आप मेरे पास आ सकते हैं। लाइव रिपेयरिंग करनी है, कुछ फॉल्टी मोबाइल है अपने साथ, फॉल्टी मोबाइल भी लेकर आ सकते हैं मेरे पास। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें।
तो रिबॉलिंग देख सकते हैं आप, प्रोसेस 300 के हीट पे हम रिबॉल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। रिबॉल होने के बाद हम उसे बाहर निकालेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे और पीसीबी में लगा करके चेक करेंगे कि हैंडसेट हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ है। तो एक बार फ्लक्स डाल करके भी हम उसे हीट कर देंगे ताकि सारे बॉल जो है वो अच्छे से बन जाए। पेस्टेड में आपको एक बार फ्लक्स डाल के हीट ज़रूर करना है, अदरवाइज वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं होंगे, फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा। चलिए क्लीनिंग प्रोसेस होने के बाद पीसीबी में हम लगा लेते हैं हैंडसेट को, सीपीयू को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करिए मोबीगढ़ सॉल्यूशंस हैदराबाद टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।